दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान के फले की आपने सब्जी खाई होगी, बहुत सारी चीजें खाई होगी, लेकिन आज मैं लेके आई हूँ लहसुन और भगवान के फले की ऐसी एकदम नई रेसिपी कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे और आप यकीन नहीं करेंगे कि बिना घी बिना तेल के अपन ये रेसिपी बनाएंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। देर किस बात की, ये रेसिपी बनाने के लिए बिना घी तेल की, इसके लिए अपन ग्वार के फले लेंगे और ये जो आगे वाली चोंच है ना, इसको अपन तोड़ लेंगे क्योंकि ये चुभ सकती है। और पीछे वाली में थोड़ी क्या मिट्टी दूर करना रहता है, इसलिए पीछे वाला भी अपन कट कर लेंगे। एक तरीका तो ऐसे है कि आप हाथ से भी कर सकते हो। दूसरा सिंपल सा तरीका है, आप एक बार कलेक्ट कीजिए इतनी सी, मैं आपको बताने के लिए इतनी सी फली छोड़ूं। वो ये देखिए, आगे वाला पार्ट कट कर देंगे और फिर इक्वल करेंगे और पीछे वाला पार्ट अपन ऐसे कट कर देंगे। तो ये ज्यादा इजी तरीका रहता है, आप दो मिनट में ही ये कर लेते हो। और ऐसे करके फिर आपको ऐसे बिखरी बिखरी को कट नहीं करना है, ऐसे ये कट नहीं होगी, आपको सारी को ऐसे कलेक्ट करना है। आसान तरीका है, ऐसे कलेक्ट करोगे तभी आसान से बंच बना लोगे ना आप छोटे छोटे। जितनी गुआर की फली आपको, गुआर की फली साफ करना मैंने बता दिया है, आगे और पीछे वाला पार्ट कट करना है और बंच बनाकर आपको ऐसे कट करना है, क्योंकि बंच बनाओगे तो ज्यादा इजी रहेगा कट करने में। इसे जितना हाथ में आ सके उतना बंच लेना है। और ये देखिए, मैं सारे ग्वार की फलियों को काट रखी हूँ। यहाँ पर मैं 1 किलो ग्वार की फली ली हूँ और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने पहले ही। और इतना पानी लेना है, ये देखिए डूब जाए और थोड़ा सा ऊपर रहे पानी, इतना ही पानी अपन लेंगे इसमें। आपको इसमें टर्मरिक पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करना है, मैंने इसे बॉइल करने के लिए चढ़ा दिया है गैस पर। और इसमें ऐड करेंगे केवल नमक, नमक आपको पहले ही ऐड कर लेना है क्योंकि बाद में ये रेसिपी फीकी फीकी सी लगेगी। अभी इसे बॉईल होने देंगे, अभी पानी गर्म नहीं है तो मैं नमक को हाथ से ही मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, अपनी ग्वार की फली बॉईल हो चुकी है, आप हाथ लगा के भी देख सकते हो। ये देखिए बॉईल हो चुकी है, अब मैं नीचे से गैस बंद कर दूंगी और इन्हें अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी ये पानी निकाल कर। ये ठंडी हो चुकी है, अब इनका पानी अपन ऐसे हाथ से पकड़ कर निकाल लेंगे, ऐसे हाथ में दोनों हाथ के बीच में रखकर थोड़ा सा बंच बनाएंगे और ऐसे पानी निकाल देंगे। देखिए ये झाग होता है ना, वो ज्यादा ठंडी हो जाती है और ये चिकनी वाली गुआर की फली है, देसी गुआर की फली नहीं है जिसमें झाग नहीं निकलेंगे। तो डरने के बाद नहीं, हल्के से झाग निकलते हैं। और ऐसे बंच बना बना के आपको रख लेना है प्लेट के अंदर। एड करते टाइम इसमें अपन ने नमक ऐड कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा अपन और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि पानी निकाल दिया ना तो हल्का सा कम हो जाएगा। और टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे इसमें, ऐड करेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च पाउडर वो मैं डायरेक्ट ही ऐड करूँ तो थोड़ा सा ही ऐड करना है, हाफ चम्मच आधा किलो में, इतनी बहुत है। अगर आप ये तरीका तो मैं सिंपल सा बता रही हूँ रेड चिली पाउडर का, अगर आप रेड चिली चटनी की ये रेसिपी बनाना देखना चाहते हो, सेम प्रोसेस है लेकिन उसमें मैंने लाल मिर्च की चटनी ऐड की है इसमें, तो वो तरीके का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी क्लिक करके देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक लहसुन की गांठ ली है, अब आधा किलो में एक लहसुन तो लगेगा लगेगा। अब मैं इसे क्या करूंगी, एक बार हाफ करूंगी। देखिए ज्यादा कच्चा क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी कर जाता है और इस टाइम अभी थोड़ी गर्मी भी है तो इतना ज्यादा अपन कच्चा लहसुन नहीं खा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, हाफ तो कच्चा लहसुन रखूंगी और इस हाफ का क्या करना है चलो देखते हैं। अब मैं फिर से गैस ऑन करूंगी और इस पर ये लहसुन ऐड लगाऊंगी और इसे हल्का सा जलाऊंगी, इससे क्या होगा गर्मी ज्यादा नहीं होगी और ये टेस्टी लगेगी थोड़ी बहुत। गैस पर करने से ये 2 मिनट में ही गर्म हो जाता है, आप चाहो तो गैस पर ना करना चाहो तो ऐसे तवा भी ले सकते हो, तवे पे भी कर सकते हो आप। अगर तवे पे नहीं करना चाहते हो तो सिंपल वैसे जो कर रखा है वैसे। अब इससे क्या है, छिलका भी आसानी से उतर जाएगा और साथ में अपना क्या होगा, लहसुन भी हल्का सा गर्म हो गया तो ये गर्मी नहीं करेगा शरीर में जाके इतनी। लहसुन को छीना कितना आसान है, ये देखिए ऐसे रखेंगे और सारा छिलका अपने आप आसानी से उतर जाएगा और ये जितना गर्म रहेगा ये उतना ही ज्यादा टेस्ट लगेगा। लहसुन देखिए अपना जो तैयार हुआ है, और जो अपना वो कच्चा लहसुन है इसको भी अपन छील लेंगे, ऐसे आपको छील लेना है इन दोनों के छिलके को। कच्चे लहसुन और जो अपने भुना है लहसुन दोनों को मिक्स करके अपन क्या करेंगे, ओपन मूसली से इसे ऐसे बारीक बारीक क्रश कर लेंगे, ऐसे कूट लेना है आपको छोटे छोटे। तो कच्चे लहसुन को तो ज्यादा बारीक करना है ऐसे हाथ से ही। अब ये देखिए मैंने क्रश कर लिया है पूरे लहसुन को और सारा लहसुन, ये देखिए फर्श है ना साफ था नीचे इसलिए मैंने फर्श पे ही कूट लिया है, ओखल मूसली में आप कूट सकते हो।
अब इसमें ये सारा लहसुन ऐड करेंगे और ये सारी इन चीजों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है आपको लहसुन को और रेड चिली पाउडर को। अगर आपको स्पाइसी ज्यादा पसंद हो तो थोड़े रेड चिली पाउडर ज्यादा ऐड कर सकते हो, कम पसंद हो तो कम भी ऐड कर सकते हो। किसी की भी जरूरत नहीं है इस गवार फली की सब्जी में, ना तो आपको घी की जरूरत, ना तेल की जरूरत, ना किसी और प्याज किसी की भी जरूरत नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे बिना घी तेल के ये सब्जी। गांव में पहले क्या होता, तेल वगैरह होते नहीं थे तो ऐसे ही गवार फली की सब्जी बनाते थे और ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। खासकर अगर आपके पास रेड चिली पाउडर की जगह लाल चटनी हो ना, मुंह में पानी आ गया है, क्योंकि मैं हूँ राजस्थान से और राजस्थानी ये गांव की डिश मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये और बनाने का तरीका तो आपको मैंने बता दिया कि कितना इजी है इसे बनाना, 2 मिनट में ही ये बन जाएगी। तो ये आप घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी ये गवार की फली की सब्जी कैसी बनी है, टेस्टी और लाजवाब बनेगी।